चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय 9, चतुर चूहे। चार चूहे थे, चारों एक बिल में रहते थे। सबसे छोटा चूहा बहुत शैतान था, वह हर समय इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन एक मोटी बिल्ली ने उसे देख लिया। वह चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। आगे आगे चूहा, पीछे पीछे बिल्ली। चूहा घबरा गया। वह मेज के नीचे रखी एक बोतल में घुस गया। अब भला बिल्ली उसे कैसे पकड़ पाती? बिल्ली ने बहुत कोशिश की, परंतु चूहे को बोतल में से ना निकाल सकी। बिल्ली अपनी बहन को बुलाने चली गई। इतने में छोटे चूहे के तीनों दोस्त आ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। बस फिर क्या था, तीनों चूहे एक के ऊपर एक बैठ गए। सबसे ऊपर वाले चूहे ने अपनी पूंछ बोतल में लटका दी। छोटा चूहा उसकी पूंछ पकड़कर बाहर आ गया। चारों चूहे भागकर बिल में घुस गए। तभी बिल्ली अपनी बहन के साथ हाथ में एक छड़ी लिए आई। पर यह क्या, बोतल तो खाली थी। वे चिल्लाई, कहाँ गया चूहा? बिल में से मुंह निकालकर छोटा चूहा बोला, मौसी मैं यहाँ हूँ। बिल्ली उस पर झपटी। चूहे ने झट से मुंह अंदर पर कर लिया। बिल्ली मौसी मन महसूस कर रह गई। इस तरीके से हमने इस पाठ में देखा कि तीनों चूहों ने किस तरीके से अपने दोस्त की मदद की। चलिए अब करते हैं हम शब्दार्थ। कोशिश का मतलब प्रयास मीन्स ट्राई करना, मन महसूसना मीन्स दुखी होना, टू बी सैड। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है शुद्ध उच्चारण कीजिए। शैतान, परंतु, कोशिश, दोस्त, मौसी। दूसरा है सही विकल्प चुनिए। क, चूहे को किसने देखा? चूहे को किसने देखा? चूहे को मोटी बिल्ली ने देखा। ख, चूहा कहाँ घुस रहा था? चूहा बोतल में घुस रहा था। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए छोटा चूहा कहाँ घुस गया था? छोटा चूहा बोतल में घुस गया था। अब आते हैं हम खा से। इसमें हमें क्या करना है? चूहा बोतल से बाहर कैसे निकला? तीनों दोस्तों की मदद से चूहा बोतल से बाहर निकल गया। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चूहा कहाँ रहते थे? चूहे एक बिल में रहते थे। का, छोटे चूहे के पीछे कौन भाग रही थी? छोटे चूहे के पीछे मोटी बिल्ली भाग रही थी। बिल्ली क्यों चिल्लाई? बिल्ली इसलिए चिल्लाई क्योंकि बोतल में चूहा नहीं था। पांचवे पे आते हैं। इसमें हमें शब्द सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। चारों चूहे एक बिल में रहते थे। सबसे छोटा चूहा बहुत शैतान था। एक दिन एक मोटी बिल्ली ने उसे देख लिया। छोटे चूहे के तीन मित्र थे, दोस्त थे। अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। बॉक्स में दिए शब्दों को सही जगह पर लिखना है। जैसे चंदा मामा, बिल्ली मौसी, चिड़िया रानी, शेर राजा। अब आते हैं हम दूसरे पर। पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसमें हमें लिखने हैं एक जैसे शब्द। एक ही लिखने से आगे का तो आगे ही होगा, एक सा पीछे का पीछे ही, अपनी का अपनी ही होगा हमारा। इसमें लिखने हैं हमें विलोम शब्द। छोटा का जैसे बड़ा होगा, इधर का हमारा उधर होगा, थोड़ा का बहुत होगा, यहाँ का वहां होगा।
अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को बनाना है। कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परंतु, मैंने उसे बुलाया परंतु वह नहीं आ पाया। बहन, मेरी एक छोटी बहन है। खाली, वह बोतल खाली है। अंदर, मेरे साथ घर के अंदर चलो। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें क्या करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में कोई भी पांच पालतू पशुओं के चित्र चिपकाने हैं। जैसे आप किसके चिपका सकते हैं, कुत्ते का चिपका सकते हैं, आप गाय का चिपका सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी पांच पालतू पशुओं के चित्र चिपका सकते हैं।